10 जून को जब मिफ्ता इस्माइल साहब ने बजट पेश किया वो एक डमी बजट था टू मीट दी फॉर्मेलिटी जो है उसको फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए बजट पेश किया गया था। उस वजूहत की वजह से मैं नहीं आया, मैं आके क्या डिस्कस करूंगा चैनल पे, ये तो डमी बजट है। असल बजट तो अभी आएगा क्योंकि अभी IMF के साथ मुज़ाकरात अभी होने बाकी हैं। आके कोई कह रहा है ये गरीबों का बजट, कोई कहता है ये अमीरों का बजट है, कोई कहता है ये किसानों का बजट है, कोई कहता है ये इंडस्ट्रियलिस्ट का बजट है। किसी ने शायद बजट के डॉक्यूमेंट में नहीं देखा कि उसमें तो लिखा हुआ है कि ये प्रोविजनल नंबर है, असल नंबर तो हम बजट के सेशन में आपको देंगे। तो हम किस चीज़ पे बहस कर रहे थे वहाँ पर? ये एक डमी बजट पेश किया गया था। 10 जून को जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने बजट पेश किया वो एक डमी बजट था टू मीट दी फॉर्मेलिटी जो है उसको फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए बजट पेश किया गया था, ताकि एक जो रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है जिस चीज़ की, उसको फुलफिल कर दिया जाए। ये बजट तो है ही नहीं है, बजट तो अभी आएगा, लेकिन हम लगे हुए हैं उस बहस में कि गरीबों का बजट, अमीरों का बजट, इसमें ये बेहतरी है, उसमें वो बेहतरी है। पर ये सारे नंबर ही जो है आपके फ्रजाइल और फ्लूइड नंबर थे। और ये वजारत ख़जाना, ये पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि जो बजट पेश किया गया वो एक डमी बजट पेश किया गया। तो डॉक्टर साहब, ये वो वजूहत है जिसकी वजह से मैं नहीं आया, मैं आके क्या डिस्कस करूंगा चैनल पे, ये तो डमी बजट है। असल बजट तो अभी आएगा क्योंकि अभी IMF के साथ मुज़ाकरात अभी होने बाकी हैं। ये आपने बड़ी अहम बात कही डॉक्टर साहब कि ये जो फिगर हैं, ये जिस तरीके से रियायतें जो थी वो वापस ली गई और ये अभी स्टिल आप कह रहे हैं कि ये डमी बजट है, तो इसका मतलब है कि अभी बोझ पाकिस्तान के अवाम पर जो हकीकी मायनों में पढ़ना है उसकी तफसील तो अभी आने वाली है। अभी गरीब के साथ जो हशर होना है वो किसी को नहीं पता, ये तो अभी वो सब कुछ अभी होना है। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मुझे हैरानी है, पार्लियामेंट भी पेश हो गया, वो एक हमारे लीडर जो अपोजिशन है उन्होंने भी बहस का आगाज कर दिया। तो किस चीज़ पर हम बहस कर रहे हैं? वो एक डमी बजट पेश किया गया है और ये डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि ये नंबर प्रोविजनल है और ये नंबर हम आपको बजट के सेशन में देंगे असल नंबर। तो जो प्रेजेंट किया गया वो असल बजट नहीं है, लेकिन हम लीडर ऑफ द अपोजिशन ने बजट पे भी डिस्कशन शुरू कर दी, बाकी भी तकरीरें हो रही थी, TV पे भी बहस और मुबासा चल रहा था। मुझे बड़ी हैरानी थी, इसलिए मैं किसी चैनल पे अपियर नहीं हुआ तो मैं के इस डमी बजट पे मैं क्या तबसरा करूंगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।